की नीलामी होगी। हम एक बेघर कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? थोड़ी मोहलत दे दो। देखो पैसे तो लाए हैं हमारे पास, पर नियत है। तो हम तो ध्रुव को जानते ही नहीं हैं। हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं ना हमें पता है कि ध्रुव का कोई वजूद है। हमारे लिए तो वो एक अनजान व्यक्ति है। तो अगर वो हमारे सामने भी देख रहा होता हमें लगता कि कोई एक अजनबी हमारे दुख को देखकर दुखी हो रहा है। पर खैर, हैविंग सेड दैट, एक इमोशनल सिचुएशन, मैं जब ये सीन कर रही थी, ये मैं अपने बारे में, जो लोग होते हैं जो वाकई में बेघर हो रहे होते हैं, इतने पुश्तैनी मकान या इवन अपने कमाई से बनाया हुआ मकान, कई बार ऐसे होता है कि हालत और हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान अपना इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता और बैंक उनके घर क्लेम करती है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, यू नो, रोटी कपड़ा और मकान जो तीन नेसेसिटीज़ हैं बेसिक, वो आपसे छिन जाए तो फिर बहुत मुश्किल। और फिर हम जानते हैं कि हम मुंबई सिटी की आज बात करते हैं तो इंसान की ज़िंदगी निकल जाती है, वो घर नहीं बना पाता। चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है, आदमी अपना घर नहीं बना पाता। तो ऐसे सिचुएशन में आप रहते हो तो जब आप उस इंसान के उन लोगों के बारे में सोचते हो जिनका खुद का मकान छिन जाए तो फिर तो रोना आएगा ही। और पॉइंट ऑफ व्यू है ध्रुव का, कि ध्रुव के लिए भी एक बात है, एक मुद्दा है कि जब वो लौट के आया है तो अपने घर की ऐसी हालत देख रहा है, अपने लोगों को देख रहा है जो पहचान नहीं रहे हैं। तो जैसे अभी गुल ने ही बोला था कि उसने छेड़खानी की, तो छेड़खानी का ये फल है जो हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। और उसको ये सबक है। हाँ। और ये शायद ध्रुव तारा देखने पर सब के लिए ये सबक है। ये आ गया, ये आ गया, ये इसी ने सब किया है, इसी ने सब किया है। देखो अभी जो की है इस लड़की ने की है। हम बहुत सुखी थे, संपन्न थे, सब कुछ अच्छा था, इतना प्यार मिल रहा था, इतनी लड़कियों से प्यार मिल रहा था, फिर भी देखो एक के चक्कर में चला गया। देखो यही होता है, आप लोग प्यार कम कर रहे थे तो मैं प्यार ढूंढने चला गया। अरे चुप करो, हम कम कर रहे थे, आयशा तो कर रही थी। और भी मिल जाती बहुत सारी। बट हैविंग सेड दैट, ये सबक है कि आपके पास अगर कोई पावर आए तो आप उसका इस्तेमाल गलत करेंगे, ये सोच के। आप सोचोगे आप सही कर रहे हो, लाइक कल मुझ में कोई पावर आ जाए जिससे मैं सारे दुनिया के गलत लोगों का नाश कर सकूं, लेकिन मैं तो फिर भी विनाशी होंगी ना। मैं, दैट डज नॉट मेक मी अ गुड पर्सन, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई जॉब, नॉट माई ड्यूटी एंड नॉट इवन माई राइट टू डू दैट। सो ये मैसेज है, लेकिन फिर भी कहानी का एक ट्विस्ट है, कहानी का हिस्सा है जो हम लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी ये देखेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। बिल्कुल। और अच्छा लगेगा आपको, मैसेज के साथ साथ आपका मनोरंजन भी है हमारे साथ। यस, ये कहना चाहते हैं हमें लौट के बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान हम पर कृपा बरसाए रखे, मेरे राधा मोहन सरकार ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे, तो हमारी घर वापसी हो जाए, हमारी डेट्स लगती रहे, हमारी घर वापसी हो जाए। ध्रुव की तो हो ही रही है, हमारी भी हो जाए बस, और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। बिल्कुल। और हमारा शो पसंद, और ऑडियंस का प्यार जो आप हमें वक्त देते हैं, सबसे कीमती चीज दुनिया की, वो देते रहिए, आपका प्यार देते रहिए। थैंक यू।